झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सभी ने कमर कस ली है। सभी अपने अपने दांव चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपना पासा फेंकने के बजाय विरोधियों की रणनीति से अपनी राजनीतिक राह को आसान बनाने में जुटी है। जी हां, सूबे की बीजेपी सरकार उस विरोधी के फॉर्मूले को अपनाने जा रही है जिसने साल 2015 में दिल्ली में बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया था। कहते हैं कि राजनीति में बीजेपी ऐसी ऐसी रणनीतियों की रचना करती है जिसके व्यू में फंसकर विरोधी पस्त हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह बुना जिसमें समूचा विपक्ष घिर गया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी चुनावी चाल नहीं बल्कि विपक्षियों की नीति अपना रही है। बीजेपी अपने धुर विरोधी केजरीवाल की राह पर चलने की तैयारी में है। जिस मोहल्ला क्लिनिक से आपने देश विदेश में नाम कमाया, अब उसी मोहल्ला क्लिनिक के सहारे बीजेपी झारखंड चुनाव पर निशाना लगाने की जुगत में है। सूबे के स्लम इलाकों में बीजेपी की सरकार मोहल्ला क्लिनिक खोलने का प्लान तैयार कर रही है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि स्लम क्षेत्र में 15,000 की आबादी पर एक मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। झारखंड में फिलहाल स्लम क्षेत्रों की जनसंख्या के मुताबिक 25 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। शुरुआत में इसे अस्थायी रूप से बनाया जाएगा जिसे कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकेगा। मोहल्ला क्लिनिक में चिकित्सक आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे जिन्हें मरीज देखने के अनुसार पैसे का भुगतान किया जाएगा। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवर्षी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में झोपड़ियों में रहने वाले आर्थिक अभाव के कारण सही समय पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम उन तक मोहल्ला क्लिनिक के जरिए सहूलियतें पहुंचाएंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ये जन सुविधा के लिए है, लेकिन इस सुविधा से उनकी सियासत कैसे सदेगी ये भी जानना जरूरी है। दरअसल राज्य में करीब 40% से ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। जातियों के आधार पर गौर करें तो अगड़ी जाति में यह संख्या 15% है, जबकि आदिवासियों में 50% से ज्यादा तबका गरीबी की मार झेल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं से बीजेपी सरकार चुनाव में खासा फायदा ले सकती है। आपको बता दें कि अक्टूबर नवंबर में सूबे में 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। पिछली बार बीजेपी ने 43 सीटें हासिल की थी। अब की बार पार्टी केजरीवाल का दिल्ली वाला फॉर्मूला अपनाकर झारखंड में प्रचंड जीत दर्ज करने की योजना बना रही है। अब ये प्लान क्या पार्टी को राज्य की सत्ता में एक बार फिर से शिखर पर पहुंचाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।